गुड आफ्टरनून दोस्तों, आज तुम्हारा भाई आ चुका है गांव में। देख सकते हैं यह नागालैंड का घर, जो आपको पीछे मेरे झोपड़ी दिखाई दे रही है यह नागालैंड का घर दोस्तों। और आप जो ये आसपास मेरे गांव देख रहे हैं, यह कोई गांव नहीं दोस्तों, दिल्ली में ही है ये छोटा सा बसा हुआ गाँव, इसे कहते हैं दोस्तों क्राफ्ट म्यूजियम। देख सकते हैं ये जो है नागालैंड वाला घर है, ऐसे नागालैंड में ऐसे झोपड़ियाँ होती हैं और ये दरवाजे होते हैं, फ़िलहाल ये बने दोस्तों। और मैं आपको दिखाता हूँ ये झोपड़ियाँ, ये सिंगल झोपड़ी है और यह दोस्तों जो डबल वाली झोपड़ी। और देख सकते हैं आसपास मेरे चारों तरफ झोपड़ियाँ हैं। और यह मटका है, यह है उड़ीसा का दोस्तों घर, ऐसा उड़ीसा में बनाया जाता है, चारों तरफ आंगन, बीच में खुला हुआ और छोटी छोटी जगह होती हैं जहाँ पे इंसान बैठ सकते हैं। और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये देखिए इसमें कहते हैं आर्ट बन्नी कटोर, गुजरात में दोस्तों ये गोल वाले घर बनाए जाते हैं और उसमें थोड़ी नक्काशी कर दी जाती है दोस्तों, देख सकते हैं आप। वाह क्या झोपड़ी है, और ये भी देख लीजिए भाई, ये भी एक झोपड़ी है। और ये जो आपको देख रहे हैं ये लोहे का जो बड़ा सा दिखाई दे रहा है, इसमें दोस्तों खाना बनता है जो पूरे वो परिवार होता है। और दोस्तों ये है मेहर कुटीर, यह गुजरात के घर, देख सकते हो दोस्तों कितने बेहतरीन दिखाई दे रहे हैं, एकदम लग रहा है रियल लाइफ में आप गांव में आ गए हों। चारों तरफ जो है दोस्तों ये बांस पड़े हैं और घर ही घर हैं। और ये देख सकते हैं इसे कहते हैं मियां लांदी थान, ऐसे दोस्तों घर होते हैं, लैंप लगा होता है, इसमें लाइट होती है, ये दोस्तों इंसानी हाथों द्वारा बनाए गए हैं, देख सकते हैं आप। इन्हें उधर भी एक झोपड़ी है गोल वाली, उधर चलते हैं दोस्तों। वाह दोस्तों ये वाली झोपड़ी को कहते हैं निकोबार कुटीर, आंडमान और निकोबार, आंडमान और निकोबार जो है वहाँ पर ऐसे झोपड़े चलते हैं और गोल बना देते हैं बिल्कुल ऊपर से, और अंदर से ये खाली रहती है ताकि गर्मी न लगे दोस्तों। और इस झोपड़े को कहते हैं सुबह कुटीर असम, असम में ऐसे झोपड़े होते हैं, इसे सुबह कुटीर झोपड़ा कहते हैं दोस्तों। वाह वो सामने तो ऐसा लग रहा है जो वो भागम भाग फिल्म में झोपड़ा लेके भाग जाते हैं ना वाला झोपड़ा है, यह तमिलनाडु का दोस्तों झोपड़ा, देख सकते हैं तमिलनाडु का ये वाला। आइए चलते हैं इसके मेन गेट पर, काफ़ी सारी चीज़ें वो देखते हैं। ये दोस्तों वो टांगा है जिसमें बेल लगा जाता है बहुत बड़े वाले सींग वाला, और ये ऐसा खींचता है, इसमें क्या बहुत बड़े सामान लगे रहते थे भारी, जिसके चक्का जो मतलब पहिया होता है इतना बड़ा होता है, और ये खूब पूरा जो होता है लकड़ी का मॉडल हुआ होता है, थोड़ा थोड़ा इसमें लोहा लगाया जाता है, काफ़ी मजबूत है दोस्तों। तो उधर भी काफ़ी गांव टाइप के बनाए गए हैं, और ये जितने भी आपको ये इन्हें लोकल लैंग्वेज में आई थिंक बुग्गिया कहते हैं जो होती हैं, कितनी पुरानी लकड़ी से बनाई हुई दोस्तों। और ये सब अलग अलग तरह के हैं दोस्तों, सामने भी है वो अलग डिज़ाइन की है। और ये देख सकते हैं कोहलू, जो दोस्तों तेल निकाला जाता है ना कोहलू में से, कोहलू कुछ इस प्रकार का होता है, दो बैल होते हैं गोल गोल घूमते हैं, बीच में जो है वो डाल दे जाते हैं जो सरसों के बीज होते हैं, और बीच में से तेल निकलता है, वहाँ से वो फर्टिलाइज होता है दोस्तों। आइए चलते हैं बाकी,
ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से जाने का टाइम हो गया, पूरा मैंने यहाँ का व्लॉग बना दिया और बस एंड, और बस यहाँ से एग्जिट होते हैं। और देख आपने भी देखी जो कितना बेहतरीन है, मात्र 20 रुपये की टिकट में आप काफ़ी कुछ इन्जॉय कर सकते हैं।